जो किया है मैंने किया है, आवाज उठाई है मैंने उठाई है, मेरी फैमिली को आप क्यों परेशान करना चाहते हो? फैमिली को साइड में रखो ना, इनको पता है कि एजाज खान ऐसे नहीं टूट रहा है। एजाज खान नाम तो सुना ही होगा, वही एजाज जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है, कभी अपने बयानों से तो कभी अपने काले कारनामों से। आज एक बार फिर से सुर्खियों में है एजाज खान, लेकिन इस बार उनकी वजह है उनकी पत्नी फॉलन गुलीवाला। एजाज खान की पत्नी फॉलन गुलीवाला को कस्टम ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि उनके घर से जब्त हुआ है ड्रग्स। ऐसा बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान उनके घर से 130 ग्राम मारीजुना बरामद किया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारी मात्रा में और भी प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब एजाज खान और उनका परिवार ड्रग्स से जुड़े मामलों में फंसा है। आपको याद दिला दे, 2021 में भी एजाज खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त उनके पास से 31 अल्कोज़ोलम की गोलियां मिली थी और उसकी सजा पूरे 26 महीने जेल में बिताने की थी। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? क्या अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश में जो हो रहा है उसके लिए बोलना गुनाह है? मुझे धमकियां आ रही है और मुझे लगता है कि पहले की तरह इस बार भी मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जाएगा या मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो किया है मैंने किया है, आवाज उठाई है मैंने उठाई है, मेरी फैमिली को आप क्यों परेशान करना चाहते हो? फैमिली को साइड में रखो ना, इनको पता है कि एजाज खान ऐसे नहीं टूट रहा है। कैसे टूटेगा? इसकी फैमिली को तोड़ा जाए, इसकी फैमिली टूटेगी तो एजाज खान टूट जाएगा। सवाल ये उठता है, क्या एजाज खान का ड्रग से पुराना रिश्ता है या ये महज एक इत्तेफाक है कि बार बार उनके नाम के साथ ड्रग्स का कनेक्शन सामने आता है? क्योंकि इस बार तो खुद एजाज फरार हैं, उनके घर पर छापा पड़ने के बाद से ही वो लापता हैं। जांच एजेंसी के सवालों से बच रहे हैं और ऐसे वक्त में उनकी पत्नी फॉलन की गिरफ्तारी क्या कोई बड़ा राज खोलने वाली है? फॉलन की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब एजाज खान पहले से ही शक के घेरे में है। उनके खिलाफ ड्रग तस्करी के आरोप हैं और इस बीच उनकी पत्नी का पकड़ा जाना साफ संकेत है कि कुछ तो बड़ा चल रहा है। कस्टम की टीम ने सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि कई संदिग्ध सामान भी एजाज के घर से जब्त किए हैं। एजाज खान के विवादों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, फिल्मों में छोटे मोटे रोल से लेकर बिग बॉस जैसे शो में नजर आना तक। एजाज ने अपनी एक पहचान तो बनाई लेकिन विवादों के साथ, और अगर आपको लगता है कि ये विवाद सिर्फ ड्रग तक सीमित है तो आप गलत हैं, क्योंकि एजाज खान ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा। भीम आर्मी पार्टी की टिकट पर महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने वर्सोवा सीट से चुनाव लड़ा, नतीजा रहा एक ऐतिहासिक हार, 155 वोट। जहां वर्सोवा सीट से उद्धव ठाकरे के हरुण खान को 65,000 वोट मिले, वही एजाज खान को केवल 155 वोट। ये हार सिर्फ चुनावी नहीं थी, सोशल मीडिया पर भी उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया। लोग उन्हें और उनके राजनीतिक करियर को लेकर जमकर मजाक बना रहे थे। लेकिन आज एजाज खान और उनकी पत्नी एक बार फिर मुश्किलों में हैं। क्या ये गिरफ्तारी किसी बड़े खुलासे की शुरुआत है? क्या एजाज खान ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा है या ये महज एक और विवाद है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा? ये सवाल अभी भी बाकी है जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। अभी के लिए एजाज खान फरार है, लेकिन कब तक ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।